सो गाइस अभी हम उठ चुके हैं और अभी टाइम हो रहा है 5:30 और अभी सब मुँह धोएंगे, अभी फ्रेश व्रेश हो रहे हैं सब, यानी टट्टियाँ कर रहे हैं सब से उठ के। और अभी यार बाकी वहाँ लेटे हुए सारे एक ही रूम में, हम सारे 8 जने, बड़ा रूम है। रूम तो मैंने आपको दिखाई दिया था, तो अभी नरेश गया है फ्रेश होने, मैं हो गया पोली भाई ने रायता खिला दिया है, ऐसी आवाज़ आ रही कुल्ला भी कर सकता था सारा रात का चार ही खिला दिया उसने। सो गाइस अभी हम पी रहे चाय मेरे साथ राणा भाई। हेलो गाइस, तो अभी हम दोनों ही बाहर आए हैं, वो भी नहाने धोने में लग रहे हैं, हम नहा लिए दोनों। और अभी हम बुरिश वगैरह लेने आए हैं, बुरिश नहीं करी बाकी उन्होंने भी, हमने भी नहीं, हमने तो कर लिया। और हम तो लाए हैं भाई, वो लाए 5 बंदे नहीं लाए, तो उनकी ब्रश लिया है, कोलगेट लिया है, चाय पी ले पहले भाई। यहाँ की चाय जो भाई एक नंबर चाय, लोग भी डाल रखे हो चाय, रियल बताओ मैं कितनी जगह घूमा भाई चाय, अनस बंदे की बढ़िया लगी, बाहर कहीं जाके लगी है अच्छी, रियल में यार चाय एक नंबर की बना रही। भाई को दिखाओ यार, बंदा फेमस हो जाओगा। ये चाय कितने बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, वहाँ चाय का स्वाद इतना बढ़िया नहीं मिलेगा, जो लोकल टी स्टॉल होते हैं ना भाई, वहाँ का जो चाय का स्वाद है एक नंबर। वो देंगे 50 रुपये 3500 रुपये एक चाय, ये 10 रुपये की एक चाय, और भाई साहब दिल खुश कर दिया, शरीर के सारे अंग खोल दिए इसने, दिमाग के भी ताले। सो हम जा रहे हैं वापस होटल, ये रहा सामान काली पन्नी में, और चाय पी ली, अब थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, उसके बाद बाबा के दर्शन करेंगे। ऐसे भाई मैं बता दूँ होटल का रेंट बता, चलो छोड़ो रेंट तो क्या बताना, अलग अलग रेट है भाई, बस किस्मत अच्छी है जो होटल मिल गया रात को। हाँ भाई हम कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे होटल के लिए घूमे हैं, यहाँ सारे हाउसफुल, होली का टाइम है तो सारे हाउसफुल है यहाँ पे, तो चलते हैं जल्दी। अभी भी हम देख लो सामान वामान लेने गए, और जब हम गए एक बंदा ना रहा था, और अभी भी देखना एक ही बंदा ना आया होगा। सब पता क्या बोलेंगे कि यार बुरिश नहीं थी, कोलगेट करनी थी तो नहाए कैसे पहले, तो पहले नहा लो बाद में कर लो, है ना भाई। अब जाए बाहर आया है दिल्ली से, तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा, वो सब कुछ ही नहीं मिलेगा बैठे बिठाए, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे। लेकिन हमारे साथ तो सारे आलसी भरे पड़े हैं, साढ़े सोने तो सोते ना हो टेंट में। हाँ रात को कितने बजे सोए पता है, 2 बजे भाई, 3:30 बजे सोए है। अच्छा हाँ भाई मैं तो सो गया था 2 बजे, मैंने बताया था सुबह उठना जल्दी भाई, 3:30 बजे सोया है, क्योंकि यहाँ पे मंदिरों में क्राउड चालू हो जाए, और 4:30 बजे उठे गए। हाँ मैं तो नहाया धोया फटाफट गया रूम में, अभी भी देखो लेटे हुए अभी भी ये देखो, हाँ नायो नाया। मैंने बोल ली थी ना एक ही नारा होगा, जिसने छोड़ कर गए थे वो अभी तक ही ना रहा है ऋतिक, ये वॉशरूम में कहाँ भाई ड्रायर कहाँ भाई इसमें जल्दी कर लो, भर भर के जा रहे हैं बंदे, भीड़ की भीड़ ठीक है। चाय वाले ने बोल लिया भाई 7 बजे मंदिर खुल जाते हैं, जल्दी चले जाओगे तो जल्दी दर्शन हो जाएंगे, वृंदावन का टाइम पूरा मिलेगा। हाँ तारा दो यहाँ पे 2-3 जगह है घूमने के लिए मथुरा में, उसके बाद वृंदावन चले जाना सीधा, वहाँ पूरा है तुम्हारा घूमना वूमना जो भी है ठीक है। तो अभी पहले मथुरा का बनाएंगे लोग, जो भी हम घूमेंगे जन्मभूमि द्वारकाधीश जाएंगे और यमुना घाट जाएंगे, बढ़िया वोटिंग करेंगे, अगर हो हमारे नसीब में होगी तो करेंगे।
है ड्रायर चालू। हाँ ये बंद करूँ, उठ जाना है, कुंभकर्ण है भाई कुंभकर्ण, उठ जा यार। भाई सब हम आ चुके हैं अपने रूम से बाहर, होटल से बाहर, चेकआउट कर दिया है, सीन हो गया, फ्रॉड हो गया बहुत तगड़ा। अबे नहीं बताना है भाई, पूरा बताना है, बताना चाहिए। तो गाइस हमने ना दो दिन के लिए रूम लिया था, मंडे को चेकआउट करना था हमें, तो अभी जिस होटल में हम थे ना, तो रात को भाई होटल में रुके हैं, तो भाई मजे उजे तो लेंगे। तो हम तीन बजे सोए थे, ठीक है, तो वो होटल वाला अब बोलता है जब हम नहा धो के बाहर निकलते हैं, वो कहता है भाई चेकआउट कर दो। तो हमने पूछी क्यों, तो उन्होंने कह रहा भैया आप है ना सोए नहीं, बोल रहा। अबे भाई हमने पैसे दिया रूम के, दिया रूम से बाहर तो आवाज़ आ नहीं रही होगी, ठीक है। तो फ्रॉड ये हुआ हमारे साथ, हमने जो रूम लिए थे वो लिए थे हमने 4500 रुपये के, दो दिन के लिए स्टे करा था हमने 4500 रुपये के लिए। लेकिन अब जो है ना क्या बोलते हैं, उसने एक दिन, हमने कल जो एडवांस दिया था उसको 2500 रुपये दे दिए थे, ठीक है। तो अब वो सुबह उठता है और अब बोलता है भाई आप चेकआउट कर दो, ठीक है, मैं रूम तुम्हें नहीं दूंगा, मैं किसी और को दूंगा रूम। अब उसको 2500 रुपये तो मिल गए, अब 2000 रुपये के चक्कर में वो क्या करेगा। तो वो अब 2000 का जो रूम हमने लिए, हमारा जो रह गए, अब वो 3000 रुपये में किसी और को दे रहा है वो रूम। तो ऐसा फ्रॉड हुआ है। तो भाई आप यहाँ आओ ना, तो आप भाई सब कुछ जानकारी से और होटल वालों को परखो, ये आप बहुत फ्रॉड है, होटल वाले बहुत फ्रॉड है, ठीक है, समझे। तो ये हुआ हमारे साथ, देखो बड़े बोल बोलना नहीं चाहता, अगर ये बंदा हमारे में होता ना, ये करते भाई बिमरी बना देता मैं उसकी, मजाक से हट गया, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, हमारा एरिया नहीं है, साफ सीधी बात भाई, देखो बुरी लगे चाहे अच्छी लगे, हर एरिया में अपना बंदा शेर होता है। तो अगर ये हमारे एरिया में होता ना, इसके चोक लगा के इसके पक्की पक्की में देता इसके पासू में। तो कोई बात नहीं, चलो हम बस कृष्ण जी के दर्शन करने आए, यहाँ लड़ाई उड़ाई करने नहीं आए, और क्या पता हमें मारे बांध के, सबको बांध के हमारे बंदे बुला ले, तो हमारा एरिया नहीं है, इसलिए हमने कुछ कहा भी नहीं। कोई बात नहीं भाई, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 2500 रुपये यार, लेकिन एक इंसानियत की बात होती है। फिर भी कोई बात नहीं, हमारे चेहरे पे देखो खुशियाँ हैं, हम चाय पी रहे हैं, माइंड डेबिट करने के लिए, डेबिट क्या बोलते हैं, मतलब माइंड को इधर उधर भटकाने के लिए चाय पी रहे हैं, कोई बात नहीं। बस सबके मुंह उतर गए, मुंह उतर गए बाकी। अब हम पहले कहाँ जाना है बता दो, पहले जन्मभूमि चलो भाई, पहले जाए जन्म लिया वहीं तो जाओगे यार। नहीं पहले जाओगे द्वारकाधीश, तो हम पहले जा भी जाएंगे बता देंगे, लोग बनाते रहेंगे अभी डिसाइड नहीं हुआ, चलो ठीक है। बाकी भाई मेरा ये कहना है, तुम भी फ्रॉड से बचो, यहाँ हो तो ठीक है, हम फर्स्ट टाइम आए, लेकिन हमें इतना पता नहीं था, पता नहीं क्यों हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है। हम जब काटू शाम गए बाबा के दर्शन करने, जब हमारे साथ रेल का चक्कर हुआ, अलग ट्रेन में चले गए हम, ठीक है, और दूसरी ट्रेन थी हमारी। उसके बाद कल हमारे साथ क्या हुआ कि हमने जो टिकट करवाई थी वो हुई थी हमारी 5:40 की, मतलब 5:30 बजे की या 6 बजे की जो थी। अब जब वहाँ पहुँचे तो ट्रेन का टाइम था 11:30 बजे रात को, हमारे साथ सीन, ठीक है, हमारे पता नहीं क्यों हमारी परीक्षा ले रहे हैं भगवान, क्या है। सो अब हम जा रहे हैं द्वारकाधीश, पहले हमने डिसाइड कर लिया है, मिल गया है, और हमने 100 रुपये में, 20 रुपये सवारी मांग रहे थे हमने, 100 रुपये में 8 जनों का डिस्काउंट करके हमने 8 जनों का 100 रुपये सवारी, 100 रुपये में पूरा डन कर दिया टोटल, पूरा हमारा रिक्शा। और आप रिक्शा दिखा सकते हो, ये हमारा भरा पड़ा है रिक्शा, एक दिन हमारा आगे बैठा। गाइस ये देखिए अबे अंकल वहीं तो ही घुमा लेता रिक्शा यार, कड़े ले आया एक बंदा बिठा रखा गाइस, बहुत ही गंदा है, देख सकल देख के उल्टे आ जाए, इतना गंदा, जरा फोकस मार प्रेम से बोलो,
राधे राधे। राहुल भाई मैं अभी रुक जाओ एक मिनट फिर प्रेम से बोलो राधे राधे। सो गाइस हम आ चुके हैं अब द्वारकाधीश आ चुके हैं एंटर कर दिया है द्वारकाधीश में पति ये चल रही है अभी गलियों में है अभी सारी दुकानें बंद पड़ी है क्योंकि हम आए हैं अभी कितना बज रहा है सवा आठ हो चुके हैं सही है हम जल्दी जल्दी ठंडे ठंडे में आ गए उसके बाद में तो धूप हो जाती फिर हम हो जाते काले भाई भी हमारे साथ बोलो राधे राधे में डाल दो एक के में सबके चलो का ले रही एक ले अब हम आ चुके हैं विश्राम घाट तो विश्राम घाट का व्यू कुछ ऐसा है ऐसा हम ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ कोई नहीं है सिर्फ हम है दिल्ली के है ना भाई हार माने बिना रह नहीं सकते जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ हम जाते हैं क्योंकि दिल्ली से हैं भाई लोग और मैं तो इनसे कह रहा हूँ भाई वोटिंग कर लो बढ़िया यार छोड़ रहे हैं वोटिंग का करते हैं यार वोटिंग यार नहीं है तो गाइस आ गए हम अब जन्मभूमि और यहाँ पर हमें दिखा है एक बहुत ही बढ़िया दृश्य अर्जुन का रथ कृष्ण जी के साथ मोबाइल जाता नहीं है मंदिर में हो रहे जन्मभूमि एरी हम आए अब जन्मभूमि में अंदर दर्शन करी आए हम कृष्ण जी नंदलाला के सबके तो अभी हम पहले गए थे चार जने और अभी गए वो चार जने मोनू रौनक राणा और गोली भाई अभी ये गए हैं मजा आ भाई फुल लेकिन यार मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है ठीक है फ़ोन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं है अंदर फ़ोन भारी छीन लेते हैं भगा देते हैं फ़ोन वालों को तो हमने को भारी जमा करा दिए थे बाकी एक नंबर चीज़ है अब यहाँ से हम जाएंगे कहाँ वृंदावन पहले हम जाएंगे अपने होटल से लेंगे लगेज अभी तो चेकआउट करना है आज का डे है बस 11 बजे तक का तो अभी चेकआउट करके अपना सामान उठा के रोड तो मैंने तुम्हें बताई दिया था क्या हुआ ठीक है तो वहाँ से सामान उठा के फिर जाएंगे वृंदावन जो फोटो थी ना ठीक है तो वीडियो में बने रहे
तो गाइस अब हम आ चुके अपने होटल के पास के लोकेशन पे। तो अभी हमने खाना वाना खा लिया है, मेरे साथ जोन टीरा बाकी सारे वहाँ हैं वो खा रहे हैं, अभी हमने खा लिया है। और अभी हम पियेंगे एक एक गिलास लस्सी, मिट्ठी लस्सी। ठीक है भाई, जोन टी उधर कर दिया कोने में, अंकल बना रहे हैं यहाँ पे जोरदार लस्सी। पेट उठ भर रखा है, भर लिया भाई। शाम तक की छुट्टी, 5-6 बजे तक अब कोई खाना नहीं, खा लिया जितना खाना था। तो लस्सी ले लूँ पहले, टेस्ट करके बताऊँगा आपको कैसे लग रही है कैसे। बाकी यार मेरे को दुख हो रहा है, मैं यार प्रेम मंदिर में फ़ोन नहीं ले जा पा, मैं यार कोई भी नहीं ले जा पाया, कोई बना नहीं पाया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। अभी भीड़ इतना है, क्राउड इतना है, दिन ही ऐसे है होली के, तो यहाँ पर इस टाइम सकता ही बहुत होती है, कोई बात नहीं। बाकी मैंने चश्मा लिया, बताना कितने बढ़िया लग रहा, कीमत बहुत ही सस्ती है, 50 रुपये का चश्मा लिया हमने, तगड़ा। चॉइस अच्छी होनी चाहिए भाई, चाहे वो 1 रुपये की चीज़ हो, पर चीज़ बढ़िया हो और पसंद हो अच्छी। तो ये अपनी लस्सी डल रही है यहाँ पे, अंकल जी डाल रहे हैं, ये गिलास टेस्ट कर रहा है जो है। अब ये बन रहा हमारा, यहाँ फूड ब्लॉगिंग चालू हो गई। अब तो जो भी मथुरा में रहते हैं अंकल के पास आओ, अंकल की हेल्प करो, बहुत बढ़िया लस्सी है। हाँ भाई कित कैसी है लस्सी, बढ़िया एक नंबर। अंकल ने अपना दिल से हाथों तक प्रेम डाल दिया। ये आ गई हमारी लस्सी, तो भाई कर दे स्टार्ट। एक नंबर लाजवाब, बर्फ ज्यादा है, गला पकड़ लेगा, लेकिन एक नंबर भाई कुछ भी कहो। देख रहे हो भीड़, देख रहे हो, मैंने अंकल की एडवर्टाइजमेंट कर दी तो भीड़ देख रहे हो, भीड़ देखो। गाइस अब हम आ चुके हैं वृंदावन में, हमारी एंट्री हो चुकी है, देखिए कान बोल, चलो करो स्टार्ट। ये चल रहा आगे, अब वृंदावन में लेंगे रूम, यहाँ जा रहा गोवर्धन, ये गोवर्धन के लिए रास्ता है। सो गाइस अब हम आ चुके हैं वृंदावन, अभी हमने लिया है रूम, और अभी हम मथुरा वगैरह घूम चुके हैं पूरा, तो वृंदावन अब पूरा घूमेंगे शाम को। अभी हो रही है बाहर बहुत तगड़ी धूप भाई, गर्मी इतनी हो रही है बस मत पूछो, कोई बात नहीं क्या करें, अब है तो है भाई, प्लान ही गर्मी में बना है, गर्मी तो सहनी पड़ेगी। तो अभी हम रूम में है, रूम नया लिया है वृंदावन में, बड़ा है, होली है, मतलब ओल्ड टाइप में एसी है इसमें, पंखा है, टीवी भी सब है, किस्मत अच्छी है इसमें टीवी मिल गया, एसी भी मिल गया। बस अभी बस 2-3 घंटे आराम करें, रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद शाम को घूमते हैं पूरा वृंदावन, प्रेम मंदिर, बागे बिहारी और जो भी 1-2 मंदिर है घूम के पूरा, फिर कल सुबह निकलते हैं यहाँ से अपने दिल्ली के लिए। बस बने रहे लोग में भाई, सो गाइस हम आ चुके हैं अब कहाँ पे, कहाँ आ गए हम, हाँ हम आ गए बाके बिहारी। और अभी हम फोन व्लॉग में ऐसे इसलिए बना रहा हूँ नीचे करके, ताकि बंदर फोन ना ले जाए, ठीक है भाई, सावधानी बरतनी पड़ रही है। और टाइम हो रहा है अभी 4:15,
तो ये हमारा डे है टू भाई। आधे घंटे की नींद ली, आधे घंटे के बाद उठा दिया और बोला इन्होंने चलो 4 बज गए नहीं तो फिर भीड़ हो जाएगी, मंदिर बंद हो जाएगा, टाइम नहीं मिलेगा। बस आ गए, अब एंट्री हो रही है, यहाँ से एंट्री चालू है, जूते चप्पल उतारने हैं। यहाँ पे 3 नंबर के टेंट लगे, 3 नंबर के सब जा रहे हैं। मैंने भी टीका दोबारा लगवा लिया है, ये नरेश ने भी लगवा लिया। चलो 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 चलो, अरे बाल कितने सेक्सी हो रहे हैं, स्मार्ट तो मैं हूँ कृष्ण जी, कृष्ण जी के तो मैं बराबरी कर ही नहीं सकता, बाकी उन्हीं के हम तो बच्चे। ये लो देख ले, कर रहा मोनू कर रहा बालू चलते रहो चलते रहो। चुकी है भीड़ स्टार्ट, चलो चलो चलो। अपनी लाइन में ही चलना हो, अब यहीं आ जाओ, यहीं आ जाएंगे। अब वहाँ चल, अरे चले ना यार, चल चल चल, आ जा आ जा। ये देखिए क्राउड यहाँ, जय जय। वापिस घुस जाना क्राउड, बंद कर फोन। दो नंबर आगे, दो नंबर दोनों, एक ही गेट नंबर है, तीन। बोलो राधा रानी की जय, बोलो बाकी बिहारी लाल की जय। चले एंट्री हो चुकी है, देख जिन्ना देख के। Yeah.
गाइस हमारे हो चुके हैं बागे बिहारी जी के दर्शन, और अभी हम डिसाइड कर रहे हैं कि प्रेम मंदिर जाएं या आइसकॉन टेंपल जाएं। अब बताओ भाई, आइसकॉन टेंपल या प्रेम मंदिर? मंदिर, मंदिर ऑफ प्रेम, प्रेम मंदिर है ना, प्रेम मंदिर डिसाइड होगा। मकान का मकान देखा जो काम चल रहा है, और हम यहाँ सोच रहे हैं वही होटल बना लो, होटल बना लेंगे प्रेम मंदिर। हाँ चलो गेर 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 रे गेर ना गेर। ये तो टाप गया, अभी देखो ये टाप रहे हैं मंदिर में, मंदिर के लिए जल्दी 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 गोली भी टाप का, गोली गोली टाप रहा, गोली ओ बस का बस का, ओए ओए जल्दी चल भीड़ क्राउड पूरे रोड की दिखा, रोड का क्राउड ही क्राउड है भाई, जैसे दशहरे में होता है वैसे यहाँ पे देखिए रोड जाम। तो गाइस हम आ चुके हैं प्रेम मंदिर फाइनली, ये रहा फाइनली देखिए। और ये क्राउड आज अपनी गैंग दिल्ली गैंग, दिल्ली गैंग दिल्ली गैंग दिल्ली गैंग गारित्ती करका। हेलो, अंदर गए वे, अंदर गए पहले मैं, गोली तो बाहर है। ये हमारा प्रेम मंदिर राधे राधे, तो आसान मिले
क्राउड वहाँ कसम रुला दिया इसने, हाथ दिखा दूंगा बकायदा भैया, बैग ले जाना सख्त बना है, आप अपने सामान का सर ब्लॉक रोड ब्लॉक रोड ब्लॉक हो चुका है, दोनों तरफ जाम है। ये देखो रोड ब्लॉक। गाइस गुड मॉर्निंग, तो अब हम जा रहे हैं अपने घर दिल्ली, आज हमारा लास्ट दिन है और आज हमें जो छोड़ रहा भाई रिक्शे से वो हमारा ये भाई है, भाई अपना नाम वसीम भाई है, ये अपने मथुरा में रिक्शा चलाते हैं, तो जो भी मथुरा अपने भाई घूमने आए भाई को ढूंढ लेना, भाई सस्ते में घुमा देंगे, मतलब जहाँ 50 रुपये सवारी है वहाँ 40 रुपये ले लेंगे, ठीक है। और भाई है करो भाई राधे राधे करो राधे राधे राधे। और भाई बहुत क्राउड आधी जगह, तो भाई क्या बताऊँ, बरसाना नहीं गए बाकी सारी जगह गए, और फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, चार्जर था बैग में और चार्जर जो बैग था हमारा होटल में था, तो फ़ोन अपने जो ब्लॉग था हम वो बना नहीं पाए, कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम फिर आएंगे फिर बनाएंगे, अभी बस पहले हम सोच रहे हैं ट्रेन से ना जाके, अभी तो हम रेलवे स्टेशन खड़े हैं और सामने ही बस स्टैंड है, तो हम सोच रहे हैं रेल से ना जाके हम जाए बस से, 4 घंटे का सफ़र है सोते जाएंगे बस में यार, भाई 2 घंटे में उतार देगी, सोने का सोने को भी नहीं मिलेगा, और आवाज़ से पता ही लग रहा होगा कि कितना चिल्लाए हम राधे राधे, और राधे राधे के बोल तो बहुत प्यारे हैं। चलते हैं सीधा दिल्ली अपने शहर, बाय बाय मथुरा, बाय बाय वृंदावन, राधे राधे।